दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाकी के बचे ऑपरेटर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जितने भी ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, मैंने पिछली वीडियो में तीन ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तीनों ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में, जिसमें से एक था, पहला सबसे पहला था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था कंपेयर ऑपरेटर और तीसरा था इसमें टेक्स्ट ऑपरेटर, एक लास्ट बचा हुआ है रेफरेंसेस ऑपरेटर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंसेस ऑपरेटर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले रेफरेंसेस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से विजार्ड बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट ऑपरेटर का बना हुआ है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसमें मैं एक ऑपरेटर बना लेता हूँ, रेफरेंसेस ऑपरेटर। ठीक है, रेफरेंसेस ऑपरेटर हो गया। रेफरेंसेस ऑपरेटर में दोस्तों दो ही ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है, यहाँ पे मैं इन सारे के सारे हेडिंग्स को मैं बना लेता हूँ। तो मैंने ये रेफरेंसेस ऑपरेटर का हेडिंग बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रेफरेंसेस ऑपरेटर जो होते हैं वो दो ही होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जो है वह है कॉमा है, ठीक है, कॉमा है दोस्तों। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर जो है उसका नाम है कॉलन, ठीक, कॉलन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल क्या होता है, सबसे पहले हम कॉमा का एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर कॉलन का एग्जांपल देखेंगे। कॉलन का एग्जांपल, कॉलन इस तरह से होता है दोस्तों, कॉलन का सिंबल ये है, ठीक है, और कॉमा का सिंबल ऊपर दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलन का या कॉमा का, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमा किस प्रकार से वर्क करता है ऑपरेटर्स की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि ये ऑपरेटर्स दोनों अलग अलग कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों दोनों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है जोड़ने के लिए, ठीक है, दोनों ही ऐड करने का काम करते हैं, लेकिन इनके ऐड करने का तरीका यानी जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ कुछ नंबर्स को टाइप करके, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 25 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर 36 दे दिया, और यहाँ पर 15 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 20, फिर यहाँ पर मैंने 26 दे दिया, और यहाँ पर मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 40 कर दिया, ठीक है। यह मैंने टेबल एक बना लिया, ठीक। इस टेबल में मैं कुछ डेटा इनपुट कर दिया हूँ और इसी टेबल से हम लोग समझेंगे इसके रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर कॉमा कैसे वर्क करता है, ठीक। तो कॉमा का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो है सम फार्मूला, ठीक है, सम फंक्शन, उसकी सहायता से हम इन दोनों ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल, इसके बाद लिखेंगे सम, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, ठीक है। नंबर में मैंने केवल 25 को सेलेक्ट किया है, 25 वाले सेल को, ठीक। फिर यहाँ पर मैं ऑपरेटर्स में मैं कॉमा का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ध्यान से यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक। कॉमा लगाने के बाद सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर 40 को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने कॉमा कर दिया, थर्ड नंबर, इसी तरह मैं थर्ड नंबर 20 को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। जितने चाहें उतने सेपरेट सेपरेट सेल को मैं ऐड कर सकता हूँ, उनके वैल्यूज़ को ऐड कर सकता हूँ कॉमा के ज़रिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल तीन ही सेल को ऐड कर रहा हूँ, तीन सेल के वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने तीनों सेल को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा के ज़रिए इनको अलग अलग ऐड किया, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये सारे सारे वैल्यू एक ही में ऐड हो जाएंगे, ठीक। आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट 25, ठीक है। अब फिर से अगर मैं इन सभी को ऐड करना चाहूँ, चलिए मैं फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको फिर दूसरा एग्जांपल बताता हूँ ऐसे ही ऐड करना, लेकिन तरीका मैं वही बताऊँगा, लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है, दोनों ऐड गैट करने पर उतने ही आएंगे, लेकिन इनके डिफरेंसेस क्या हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा मैं फिर से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर सारे सारे सेल को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल सम, ब्रैकेट लगाया, 25 को मैंने सेलेक्ट किया, जहाँ जहाँ पर वैल्यू है उन्हीं उन्हीं सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 25 कॉमा 36 कामा 15 कामा 20 कामा 26 कामा 40, ठीक है। ये मैंने जितने भी सेल में वैल्यू थे सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे 162 टोटल आ रहा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा तरीका कॉलन लगा करके सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद देखता हूँ रिजल्ट में कितना आ रहा है। तो मैंने लिख दिया इक्वल सम ब्रैकेट, इसके बाद मैंने 25 को सेलेक्ट किया और कॉलन लगा दिया, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, मैंने कॉलन लगाया, इसके बाद लास्ट में 40 वाले को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, 40 को सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो एंटर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे 162 इसका भी रिजल्ट बता रहा है, इसका भी रिजल्ट बता रहा है, जबकि मैंने इसमें सिक्स सेल को सेलेक्ट किया था, तभी 120 तब जा कर के 162 रिज़ल्ट बता रहा था। इसमें मैंने 20 को सेलेक्ट किया और डायरेक्टली 40 को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तब भी 162 बता रहा, ठीक। चलिए एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे हम कुछ यहाँ पर जो ब्लैंक सेल हैं, जैसे ये और ये सारे सारे ब्लैंक सेल हैं, इसमें मैं कुछ वैल्यू इनपुट करता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 10 इनपुट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले जो कॉलन वाला वैल्यू था इसका मान बदल गया, यानी ये जो 10 मैंने ऐड किया है ये इसमें ऐड हो गया, लेकिन ये इसका जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे है जैसे पहले था, ठीक है। चलिए मैं दूसरे सेल में ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैंने 15 और ऐड कर दिया, ठीक, एंटर मैंने कर दिया। आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन ऊपर वाला कांस्टेंट वैसे ही के वैसे ही है, ठीक है। और भी मैं सेल में वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, 36 एंटर मैं कर दे रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला जो वैल्यू है कॉलन जिसमें लगा था, कॉलन के जरिए जिस सेल को जोड़ा गया था उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बाकी का वैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर दोस्तों कॉलन का मतलब होता है से, ठीक है, कॉलन का मतलब से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं 26 25 लिख दूँ और यहाँ पर भी 25 लिख दूँ और कहीं अलग कॉलन के ज़रिए मैं जोड़ूँ, इस सेल में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वैल्यू है यहाँ पर जुड़ जाए, ठीक है, इस सेल में, ठीक। तो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए सबसे पहले ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट लगाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलन और कॉमा में अंतर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉमा लगा करके इसको मैं जोड़ता हूँ, मैंने 25 को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा किया और इसके बाद फिर से 25 को सेलेक्ट कर दिया। आप देख पा रहे होंगे बीच में जो सेल है वो सेलेक्ट नहीं हुआ, वैसे के वैसे ब्लैंक है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक, और एंटर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 50 बता रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे वाले सेल को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सेल अभी ब्लैंक है और मैं इन दोनों सेल को ऐड करता हूँ, इन दोनों सेल के वैल्यू को ऐड करता हूँ, इस बार कॉलन के जरिए ऐड करूँगा, ठीक। तो मैंने लिखा इक्वल सम ब्रैकेट लगाया, इसके बाद मैंने 25 को सेलेक्ट किया और कॉलन लगाने के बाद फिर से मैंने दूसरे वाले 25 को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस बार दोनों सेल, बीच वाला भी सेल इसमें सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो राउंडिंग चल रही है इस दोनों सेल, इन तीनों सेलों के चारों तरफ चल रही है, ठीक है, यानी बीच वाला भी सेल सेलेक्ट हुआ, ठीक। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा, आप देख पा रहे होंगे दोनों ही सेल में 50-50 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेल से, इन्हीं दोनों से वैल्यू प्राप्त हुआ, ठीक। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करूँगा तो कॉमा वाले में नहीं बदलेगा लेकिन कॉलन वाले में बदलेगा, क्योंकि कॉमा के वक्त मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है, लेकिन जब मैं कॉलन वाली वैल्यू दे रहा था तो यहाँ पर मैंने 25 को सेलेक्ट किया था और लास्ट वाले को सेलेक्ट करते वक्त ये बीच वाला भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि कॉमा का मतलब होता है और कॉलन का मतलब होता है से, यानी कॉमा जब लगाएंगे तो ये और ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। कॉलन का मतलब होता है से, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यानी बीच में जो सेल रहेगा उसको भी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ, यहाँ पर मैंने 50 इनपुट कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला 100 हो गया और ऊपर वाला 50 का 50 ही है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैंने इस वाले फार्मूले में, 100 वाले फार्मूले में मैंने कॉलन का इस्तेमाल किया था जोड़ने के लिए और ऊपर वाले में कॉमा का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो कॉमा क्या करता है? एक अलग अलग सेपरेट सेल को जोड़ता है, और कॉलन क्या करता है? उस टेबल में जितने भी ब्लैंक या वैल्यू वाले सेल होंगे सभी को एक साथ जोड़ेगा, ताकि जब भी हम उस ब्लैंक वाले सेल में कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसका जो मान रहेगा वो चेंज हो जाएगा, उस वैल्यू में जो सेल में ऐड रहेगा वैल्यू उसका जो नंबर्स है या जो वैल्यू यहाँ पर शो करेगा उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा अकॉर्डिंग टू उस सेल में जो हम वैल्यू इनपुट किए रहेंगे, ठीक है, तो उसके अनुसार वहाँ का मान चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये होते हैं कॉलन और कॉमा में अंतर। दोनों का काम दोस्तों जोड़ना ही है, दोनों सेल के जरिए, दोनों ही ऑपरेटर्स के जरिए हम वैल्यू को जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि कॉमा अलग अलग सेलों के वैल्यू को जोड़ता है और कॉलन एक साथ सभी सेलों के वैल्यू को जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।